इधर पहुंच गए। तीन दिन से कंटिन्यू पूरे जिले से, अभी देखिए एसपी डीएम साहब भी आए हैं और इस डीएम से लेके सारी महकमा लगी हुई है, तो ये कुछ ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है, ये नेचुरल है। लाशें उधर से बह के आई हैं, यहाँ लग गई। कहाँ से आ रही है ये, कहाँ से आ रही है ये, कोई विषय नहीं है। मतलब ये तो प्रयागराज से भी लोग छोड़ रहे हैं, कुछ मान्यता है कि लोग ऐसे ही प्रवाह कर देते हैं जल प्रवाह, तो हम लोग सबसे आग्रह कर रहे हैं कि गंगा को शुद्ध रखना है तो ये जल प्रवाह वगैरह रोके। और वही लाशें हैं जो यहाँ के किनारे लग जाती हैं, कटान है चुकी, तो हवा का रुख जिधर जाता है उधर रुक जाती है। गाजीपुर में गंगा में बहाई गई लाशें इतनी बुरी दशा में थी कि तमाम लाशों को तो केमिकल डालकर डिकम्पोज कर दिया गया। गाजीपुर में गंगा किनारे घाटों पर स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये दरअसल सिर्फ विचलित ही नहीं बल्कि डरावनी भी है, और ये अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर स्थिति इतनी भयानक होगी। जैसे मैं इन इलाकों पर निकल रहा हूँ, एक के बाद एक शव यहाँ पर पहुंचे हैं जिसको जलाया नहीं जा सका, उसको डिकम्पोज करने के लिए उसके ऊपर केमिकल तक डाल दिया गया है। तो गंगा जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है। उस गंगा किनारे गाजीपुर से आगे जब हम गमहर पहुंचते हैं, दरअसल यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा शव देखे गए थे, और आपने ग्रामीणों को सुना कि आखिर स्थिति कैसी है। आप तट के किनारे चले जाएं, लाशों को या तो डिकम्पोज किया गया है या फिर वो सड़ती अवस्था में मिलेंगी। जो निकल पाई उन्हें दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ ले जाकर के दफना दिया गया। कुछ का अंत, ये कोशिश की गई है कि कम से कम अंत्येष्टि हो जाए, उनको अंतिम संस्कार हो जाए, और जो शव डीकम्पोज हो रहे हैं उन्हें दबा दिया जाए ताकि दूसरा संक्रमण का खतरा यहां खड़ा ना हो पाए। ये तस्वीरें वाकई डरावनी हैं। आज तक की टीम ने गाजीपुर से लेकर बक्सर तक नाव में सवार होकर दिल दहला देने वाले इस मंजर को करीब से देखा। ऐसी तस्वीरें दिखी जिन्हें हम आपको हूबहू दिखा नहीं सकते, एक एक तस्वीर विचलित करने वाली है। हम गाजीपुर के गहमर गांव से लेकर के बक्सर के नरबतपुर तक सफर करेंगे इस नाव में गंगा के ऊपर। झकझोर देने वाली तस्वीरें हमें दिखाई पड़ी। यकीन मानिए, कोई भी रिपोर्टर आपको ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन तबाही के साथ साथ गंगा पर शवों को तैरते हुए जो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो इस त्रासदी की एक ट्रेलर है। मैं गाजीपुर से बक्सर बिहार की ओर चल रहा हूँ इस नाव पर, और गंगा किनारे शव जो है वो आप गिन नहीं सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जहां हम गुजर रहे हैं ये पहचानना भी मुश्किल है कि वो किसी महिला का शव है या किसी पुरुष का है, लेकिन घाट के जितने किनारे हैं ये पुराने हो चुके हैं, फूल चुके हैं, इनमें पानी भर चुका है, और लहर के साथ साथ ये लाशें जो हैं एक किनारे से इन घाटों पर पड़ी हैं, इनकी संख्या आप गिन नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने जितने शवों की अंत्येष्टि की है वो तो सिर्फ इस तबाही की एक ट्रेलर है। असली भयानक तस्वीरें गंगा किनारे गाजीपुर से लेके बक्सर के बीच में दिखाई पड़ती हैं। ये जितने किनारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो मैं यहाँ हड्डियों का कंकाल देख पाता हूँ, या फिर इसके अलावा जो शव हैं जिन्हें दो चार पांच दिनों में प्रवाहित किया गया होगा, जिन्होंने इनके अपनों ने मुखाग्नि तक नहीं दी, वो फूल चुके हैं और पानी पर तैरने लगे हैं। कई शवों को हालांकि पत्थर बांधकर फेंका गया, रेत के बोरे डाले गए, लेकिन जहां पर गंगा में कर्व है, जहां पर लहर बाहर तेज निकली, तेज हवाएं चली, ऐसे में उन शवों को किनारा मिल गया और वो तैरते हुए किनारे पर आ गए। गहमर से लेकर पंचमुखी घाट से आगे नाव जब गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ी तो तमाम शव हमें गंगा किनारे तैरते हुए मिले। ये शव इतने विभत्स स्थिति में थे जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पहचानना मुश्किल है कि ये शव किसी महिला के हैं या किसी पुरुष के। कहीं एक साथ दो शव पड़े हैं तो कहीं तीन,
अभी तक बिहार की सीमा भी नहीं आई। गाजीपुर जिले के इलाके में ही नदी के दोनों किनारों पर तैरती लाशों की गिनती मुमकिन नहीं है। गहमर से पंचमुखी घाट होते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। काफी दूर आगे जाने पर बिहार की सीमा शुरू होती है, लेकिन अब हम नदी के दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। एक हिस्से की तस्वीरें आपने देखी, कितना डरावना मंजर है ये समझा जा सकता है। ये जो तस्वीरें हैं वो दरअसल विचलित करने वाली हैं। अब आपको नदी के दूसरे हिस्से की ओर ले चलते हैं, यहाँ पर भी आपको पानी के ऊपर वैसा ही मंजर दिखाई पड़ता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंजर तो कुछ भी नहीं। चार दिन पहले तो गंगा की लहरों में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। रात का फायदा उठाकर लोग शवों का बिना अंतिम संस्कार किए गंगा में प्रवाहित कर देते रहे। इतने शवों को अपनी लहरों में ढोती गंगा का पावन जल तो अब आचमन लायक भी नहीं बचा है। वास्तविक स्थिति यह है सर कि नाइट के समय में जो बाहरी इलाके के लोग हैं वो एक तो रात का फायदा उठा रहे हैं, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। अभी DM साहब ने आदेश किया है 2-3 दिन पहले, तो उससे काफी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। 2-4 दिन पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। जितने शव हम देख पा रहे हैं इनकी तो गिनती भी मुश्किल है। अभी आप 4 दिन पहले आते तो और आप नहीं देख पाते, ये तो काफी 4 दिन पहले उन्होंने आदेश किया उस हिसाब से काफी सफाई हुई है। हम लोग का रहना यहाँ दुश्वार हो गया। जो अगल बगल में लोग रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान है, सांस लेना मुश्किल काम हो गया है। और गंगा का पानी पवित्र माना जाता है स्नान करने के लिए, क्या ये गंगा अभी इस समय उतनी पवित्र रह गई है? इस समय तो नहीं है, इस समय हम भी मानते हैं, हम लोग तो जीवन ही, हम लोग का यहीं पैदा हुए। जो पानी आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो पानी गंगा का नहीं है। चले गए घर पे, वहाँ व्यवस्था नहीं बन पा रहे तो क्या करें। सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं लगातार, वो दावे सब बेकार है, सब बेकार है। बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहे हैं, दावे सब बेकार। प्रधानमंत्री के सब दावे बेकार, योगी मोदी सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। ये आदमी मारा मारा घूम रहा, देखो लाइन लगी वहाँ तक लाइन लगी, बताओ क्या करें। बयान आए थे ना अखबारों में भी छपे थे, भैया सब बेकार है, बयान यान सब बेकार। आप समर्थक थे क्या? भैया बिल्कुल, हम पूरे योगी मोदी के समर्थक थे, पर समर्थक बेकार, सब बेकार। जब आदमी को नहीं बचा पा रहे तो देश को कहाँ बचा पाओगे, ये बताओ हमको। बहुत ही भयावह स्थिति एक तरीके से मैं कहूँगा।